और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य बाल बाल बचे हैं, महापुरुषों पर था समाजवादी पार्टी का ये कार्यक्रम और उसी कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ी हुई, जिनके ऊपर एक कार्यक्रम के वक्त में जूता फेंका गया, महापुरुषों पर कार्यक्रम के दौरान हमला किया गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया। जिसने ये हमला किया, जिसने ये हरकत की, पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया और बाल बाल बचे स्वामी प्रसाद मौर्य। कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य पर ये जूता फेंका गया, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल, इस तरीके की घटनाएं अगर होती हैं, किसी लीडर को निशाना बनाया जाता है, अफरा तफरी हो जाती है, कार्यकर्ताओं में भी गुस्सा रोष देखने को मिलता है। प्रशासन ने हालांकि इस वक्त मौके को संभाल लिया है, मौके पर मौजूद है प्रशासनिक अधिकारी। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। जी मीडिया संवाददाता नीतीश पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीतीश, क्या है पूरी खबर? देखिए, जो समाजवादी पार्टी का जो सम्मेलन है, एक दिवसीय सम्मेलन हुआ यहाँ पर चल रहा था और सम्मेलन के बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर पहुंचे थे और जैसे ही वो पहुंचे, काले काले कपड़े में एक व्यक्ति वहाँ पर आता है और वहाँ काले कपड़े दिखा उनसे निकालने के साथ ही उन पर जूता फेंकता है। इस पर जो वहाँ पर स्थानीय स्तर पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, जो युवक है जिसका नाम आकाश सैनी बताया जा रहा है, वो उस पर ये लोग जूट करते हैं और उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन भी बचाव के तौर से सामने आता है और जो युवक जूता फेंकने वाला है उसको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के साथ अब उस युवक से पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो यहाँ पहुंचा था तो किसी के शहर से पहुंचा था, या फिर जब वो युवक यहाँ पर आया तो उसके मन में क्या है, क्या उसका विरोध क्या है, ये सारी बातें अभी जानने का प्रयास किया जा रहा है। सम्मेलन सुचारू रूप से यहाँ पर शुरू हो चुका है फिर से एक बार। लेकिन जिस वक्त ये घटना हुई, जिस वक्त वो युवक स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ बढ़ा और जिस तरह से उसने जूता चलाया, अपना विरोध जताया, उस स्थिति में यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। उस वक्त जो स्थानीय यहाँ पर लोग पहुंचे थे वो भी कहीं ना कहीं आक्रोशित रूप में दिखाई दिए। तो अभी की स्थिति आपको बता दूं कि अभी स्थिति सामान्य है और सम्मेलन आगे बढ़ रहा है लगातार। नीतीश, जिस वक्त ये घटना घटी है, क्योंकि महापुरुषों का ये कार्यक्रम था, ये सम्मेलन यहाँ चल रहा था, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से किसी बात का जिक्र किया जा रहा था, कुछ भाषण दे रहे थे वो, जिसको लेकर के ये पूरा विवाद खड़ा हुआ हो, इस तरीके की घटना घटी? आपको बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य हाल की ओर आ रहे थे पीछे जी। और जब वो हाल की ओर अंदर आ रहे थे उसी दौरान जो युवक था वो सामने आया, काला कपड़ा दिखा और काला कपड़ा दिखाने के साथ ही उन पर जूता फेंकने मारा। तो अभी जब तक मंच पर वो पहुंचे उसके पहले उस युवक ने काला कपड़ा दिखाकर उनको जूता फेंककर मारा। और जब जैसा की मैं लगातार बता रहा हूँ की उस दौरान वहाँ यहाँ पर हाल में मौजूद जो लोग थे वो उस पर टूट पड़े और टूट पड़ने के बाद ही तुरंत पुलिस बीच बचाव में आए, पुलिस ने उस युवक को पकड़ लिया, हिरासत में ले लिया और अब उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस पूरे जो घटनाक्रम है इसके पीछे की वजह क्या है। जो युवक जूता फेंक कर मार रहा है, क्या वो किसी के कहते यहाँ आया था या उसका व्यक्तिगत कोई विरोध था, इन सारी बातों का भी पता लगाया जा रहा है। जो यहाँ पर सम्मेलन है, सम्मेलन लगातार जारी है। सम्मेलन अभी वर्तमान की स्थिति में बता दें कि सम्मेलन लगातार जारी है, लेकिन उस वक्त अफरा तफरी का माहौल था और जो यहाँ के बिल्कुल आप बने रहिए नीतीश। चूंकि एक और खबर मैं आपको बता दूं, दो तस्वीरें मैं दिखा रही हूं, उसके बाद वापस आपका रुख करूंगी। कल दारा सिंह पर ये स्याही फेंकी गई थी, आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता निकला और दारा सिंह ने हाल ही में पार्टी भी बदली है। आपको ये भी बता दें कि समाजवादी पार्टी से ये बीजेपी इन्होंने ज्वाइन किया और देखिए किस तरीके से माला पहनाया गया और सीधे बहुत करीब से आकर के इनके ऊपर स्याही फेंक दी जाती है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंक दिया गया, ओबीसी सम्मेलन के दौरान जूता फेंका गया और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। नीतीश, हो सकता है इन दोनों घटनाओं का आपस में ताल्लुक भी हो और जो तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं। देखिए, जिस तरह से राजनीति की दिशा बदल रही है, जिस तरह से राजनीति में ये विरोध की स्थितियां उत्पन्न हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं विरोध का ये जो पहलू है वो गलत स्थिति को दर्शाता है। और निश्चित तौर पर जैसा कि आप कह रही हैं कि अगर इन दोनों घटनाओं को जोड़े तो कहीं ना कहीं समानता जरूर दिखाई दे रही है। अगर आप बात करें तो समाजवादी पार्टी से अलग हुए दारा सिंह चौहान जब वापस पहुंचते हैं उस दौरान टाइम उनके ऊपर स्याही खोज दी जाती है। और ठीक अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो यहाँ पर जुड़े हुए नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, जब अपने एक दिवसीय सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे और जैसे ही हॉल के पास पहुंचते हैं और ऊपर मंत्री जा रहे होते हैं उसी दौरान बिल्कुल और इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती भी है। और जाहिर सी बात है जो इस घटनाक्रम को अंजाम दे रहा है अच्छे से उस चीज को वो समझ पा रहा है कि इतनी ज्यादा
प्रशासन वहां पे मौजूद है, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता समर्थक हैं, तो आप वहां से बच के भी नहीं निकलेंगे, पुलिस आपको पकड़ेगी, पूछताछ आपसे होगी, बावजूद इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। Z News.